हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में ओप्पो A71 फ़ोन आया हुआ है और इस फ़ोन में प्रॉब्लम वॉल्यूम डाउन जो है वो अर्थिंग कर चुका है, जिसके कारण ये रिकवरी मोड आता है। दोस्तों, वॉल्यूम डाउन को मैंने हर प्रकार से इसको बोर्ड को ऊपर करके भी देख लिया तो भी ये वर्किंग कर ही रहा है, ये रिकवरी मोड आ ही रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से दूर करेंगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। सिर्फ इसमें एक कंपोनेंट है जो कि शॉर्ट हो चुका है, उसे हम अलग करना है, उसको उस जगह से रिमूव कर देंगे और ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि फ़ोन के बोर्ड को मैं अलग कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों, वॉल्यूम की के तरफ हम आते हैं तो ये दोनों ही वॉल्यूम की इसके फाइन वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रखने के बाद में इसको कनेक्ट करते हैं तो ये अप की के लिए है और यहाँ पे हमारी टॉर्च जल रही है, इसका मतलब ये हमारा अप की बिल्कुल ओके। अब रहा माइनस वाला जो नीचे वाला है, इसकी दोनों की ये है और यहाँ पे ये लाइट जल रही है, तो ये हमारा जो वॉल्यूम का अप एंड डाउन है ये दोनों ओके है। और जो मेन जो प्रॉब्लम है वो इसके बोर्ड से ही आ रही है, तो बोर्ड में सिर्फ एक कंपोनेंट ही अर्थिंग कर रहा है, वो उसे हमें रिमूव करना है। जैसे कि हमने यहाँ की इसकी जो ऊपर की जाली है उसको रिमूव कर लिया है दोस्तों सावधानी पूर्वक, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये माइनस है, ये वॉल्यूम डाउन का और ये वॉल्यूम अप का है, और यहाँ का जो इसका कनेक्शन है वॉल्यूम डाउन का तो ये यहाँ से होता हुआ इस कंपोनेंट में आ रहा है, इस कंपोनेंट से फिर आगे ये जाता हुआ आईसी के अंदर जा रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस वाले कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ध्यान से देखिए आप, ब्लैक कलर के, फर्स्ट और सेकंड, तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, तो सेकंड नंबर वाले को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ दोस्तों। तो इस वाले कंपोनेंट को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बारीक वाला आयरन लेना है और इस पर कनेक्ट करते हुए इसको ऊपर की तरफ करना है। एक तरफ से ऊपर हो चुका है, इसी प्रकार हमें इसको दूसरी तरफ से ही भी ऊपर करना है, और यहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया है और दोनों कंपोनेंट जहाँ से हमने स्लिप करा था इसको निकाला था, इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है भाइयों, कंपोनेंट ये रहा, इसको मैं इस पे रख रहा हूँ, इस वाले को हमने निकाल दिया जो कि यहाँ पे था। अब ये समस्या आपकी रिकवरी वाली हट चुकी है, क्योंकि ये यहाँ पे अर्थिंग कर चुका था जिसके कारण ये दिक्कत आ रही थी। जब भी फ़ोन हम ऑन करते हैं तो ये अर्थिंग होने के कारण रिकवरी मोड पे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम पिक करते हैं। तीनों कनेक्ट कर दिए हमने, फोन को हमने ऑन किया है, फोन हमारा ओप्पो A71 ऑन हो रहा है। और जैसे जैसे कि दोस्तों इसका क्या, चार्जिंग थोड़ा कम था, 3, 4 या 5% ही है, और ये अब बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। इस कंपोनेंट को मैं पास में रखता हूँ और ये रिकवरी मोड से बाहर आ चुका है, फ़ोन को ऑन होने देते हैं। ओके दोस्तों, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, रिकवरी मोड था जो हट चुका है और वॉल्यूम के ये दोनों बटन इसके काम कर रहे हैं, कर रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम अप,
तो दोस्तों वॉल्यूम अप, बटन काम कर ही रहा है। और वॉल्यूम डाउन भी देखते हैं, हाँ वॉल्यूम डाउन भी हमारा काम कर रहा है और वॉल्यूम अप भी हमारा काम कर रहा है। तो वॉल्यूम हमारे दोनों ही पहले से ही सही थे, बस हमारा क्या जो माइनस वाला था जो इस कंपोनेंट ने अर्थिंग ले लिया था, जिसके कारण ये रिकवरी मोड पे जा रहा था। तो जब भी ऐसा कोई ओप्पो A71 आए तो उसका जो माइनस वाला है उसका आपको ट्रेस करना है कि इसका रास्ता कहाँ जा रहा है, और इस बीच में इस प्रकार का कंपोनेंट जहाँ पे भी आता है तो उसको आपको रिमूव कर देना है, और आपकी जो समय प्रॉब्लम है रिकवरी वाली ये दूर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।